हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक में फसलों की आवक, सड़क सुरक्षा और ट्रॉमा सेंटर की सेवाओं को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा की। बैठक में परिवार पहचान पत्र के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर भी निर्देश दिए गए। ऑनलाइन पर साक्षी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। साक्षी, जिलाधीशों के साथ जो मंथन किया मुख्यमंत्री ने, क्या रहा इसमें? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री निवास पर सीएम ने सभी समूचे हरियाणा के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। और इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फसलों की जो आवक है या सड़क सुरक्षा है, ट्रॉमा सेंटर में इसकी सेवाओं को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा की है। क्या कुछ जरूरतें हैं वहां पर, क्योंकि हाल ही में बजट भी आया है तो बजट में जो अपग्रेडेशन है, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं हो, चाहे सड़क सुरक्षा से जुड़ी चीजें हो, फसलों की किसानी से जुड़ी चीजें हो, इन सब को किस तरह से अब इनका डिप्लॉयमेंट होना है, कहाँ कितना बजट देना है, उसे लेकर भी अध्यक्षों से अपडेट किया है कि कहां किस तरह की स्थिति बन जा रही। वही परिवार पहचान पत्र को लेकर भी एक बड़ी मुहिम हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसको लेकर उन्हें चिन्हित करना है। 2 लाख ऐसे परिवार है जिन्हें चिन्हित किया जाएगा, जिनके परिवारों की संख्या ली जाएगी, और जो निम्न स्तर का व्यक्ति है, सबसे निचले तबके का व्यक्ति है परिवार में, उसे किस तरह ऊपर लेकर आया जाए, इस पर जो है सरकार काम करेगी परिवार पहचान पत्र के जरिए। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए इस प्रोसेस में किस तरह से तेजी ली जाए, किस तरह से जो जिम्मेदारियां हैं वो SDM हो, SDM के नीचे के जो कर्मचारी है उनको, ताकि वो घर घर तक जाकर ऐसे जो लोग हैं उनकी पहचान करें, पूरा जो एक डेटा है वो सरकार के साथ इकट्ठा हो पाए, इसी प्रोसेस में तेजी लाने जैसे कदमों को लेकर सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश भी दिया है, उनसे अपडेट भी लिया है और इसके लेकर चर्चा की है। जी ठीक, आपका शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए साक्षी। तो देखिए फीडबैक भी लिया गया है, आगे को लेकर भी जिलाध्यक्षों को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं।